अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये जो है बचे हुए कपड़े में सूट का पीस था और ये पीस में कमीज़ और आस्तीन निकालने के बाद ऐसा बचा है कि हमारी स्टूडेंट को सलवार निकालने में तकलीफ़ हो रही है। ये देखिए ऐसे बच गया है। तो मैंने सोची चलो आप लोगों से भी शेयर करूं। इस कम कपड़े को हमने सीधा कर लिए। अब यहाँ से हम 38 में से 7 निकालेंगे तो हमको मिलता है 31। 38 में से 7 निकालने के बाद और हम आधा इंच ऊपर की सिलाई का और आधा इंच नीचे की सिलाई का मिलाकर हम यहाँ पर 32 पर निशान लेंगे। ठीक है, ये हमने निशान 32 पर ले लिए। अब यहाँ से पाइचे का आधा और सिलाई का आधा इंच लेंगे। तो पाइचा है 15 इंच, 15 का आधा हो जाता है 7.5 और सिलाई का हमने ले लिया आधा इंच तो हो गया ये 8। ये 8। अब यहाँ से भी हम 32 चेक करके फिर ये लाइन खींचेंगे। अब ये आप लोग न्यू हैं तो इसीलिए आप ये चीज को जरा ध्यान से देखो। हमको यहां पर मीडियम सलवार के लिए 20 इंच घेर बहुत जरूरी है। तो 20 इंच घेर निकालने के लिए अब ये तो हमारा है 10.5। आप लोगों को इजी समझ में आए इसलिए मैं इस टाइल्स की मदद से आप लोगों को समझाती हूँ। ये टाइल्स, ये यहाँ से हमने ये 20 को यहाँ तक रख लिए, ये हमारा घेर हो गया सलवार का। अब यहाँ से हम मियानी के लिए लेंगे सीट का 4/4 हिस्सा या नॉर्मल हर किसी के लिए हम 10 इंच ले सकते हैं, ये हमने ले लिए। अब ये घेर है, ये सीट का 4/4 हिस्सा है। यहाँ से हम रख कर इस पाइचे को ऐसे कट करेंगे। अब ये इतना जो हमको मिलेगा ये हम इतनी कली निकाल के हम ये सलवार को बनाएंगे। अब मैं आपको ये इतना हिस्सा कट करके फिर कली निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सारा ये कपड़ा है। इतना कपड़ा होने के बाद भी मैं आप लोगों को कम कपड़े वाला हिस्सा रखकर ये कली निकालना बताती हूँ ताकि आप लोग कपड़ा बचाकर कुछ दूसरा भी काम करें। ये देखो ये हमने क्या किया, इसके ऊपर 1 इंच इस तरह से रख लिए, ये हमने रख लिए, ये नजर आ रहा है ना। और यहाँ पर हमारा ये 20 इंच का चौक है ना। अब यहां से हम मियानी के लिए सीट का 4/4 हिस्सा 10.5 लेते हैं और ये हमने खींच लिए लाइन। अब इस कली को हमने ये कली हमारी बन गई, ये एक काट कर हम इसी को रख के और 3 भी काट सकते हैं। ये यहां से जो हमको मिल रहा है पीस तो हम इसको भी ले लेंगे। अगर हमको 1/2 इंच 1 इंच और बढ़ के मिल रहा है तो सलवार में घेर बढ़ेगा तो वो अच्छी बात है ना। ये हमने फिर हमने ये कपड़े को डबल किए और ये कली कटी हुई हमारी हम इसके ऊपर रख देंगे।
तो इस तरह से ये हमारी तीन कली हो जाएगी। इसको हम काट लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारी ये शलवार निकल गई, ठीक है। और बल्कि 20 इंच से 21 इंच हमको घेर भी मिल जाएगा। और ये इतना कपड़ा बचा है, इसमें हम बेल्ट भी निकाल लेंगे। अगर आस्तीन में फ्रिल करना है तो फ्रिल भी कर सकते हैं, है ना। हाँ। ये देखो हमने ये हमने कपड़े को डबल किए। सीट हमारी है 42 में हमने 8 इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 50। हमने कपड़ा डबल किया है तो हम 50 का आधा लेंगे, 25, और सिलाई का 1 इंच या 1.5 इंच जो तुमको चाहिए वो ले सकते हो। और उसके बाद 7 इंच हमने पेटी के लिए निकाले थे, उसमें भी हमको सिलाई का, नाड़ी डालने का सब हिस्सा लेना है, तो उसके लिए भी हम 2 इंच 2.5 इंच जो तुम्हारी मर्जी चाहे ले सकते हैं, या पूरा 10 इंच ले लो, चौड़ा चौड़ा सिल लो, ये 10 मिल रहा है तो हम 10 ले लेते हैं। हाँ ये 20, हाँ ये इस तरह से हमारा ऊपर का बेल्ट भी कट जाएगा। अब हमको मियानी काटना है, तो मियानी के लिए हम छोटे से छोटा कपड़ा देखेंगे। किधर है छोटा कपड़ा, ऐसे सब कपड़े बड़े बड़े हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे छोटा कपड़ा हमको ये मिल रहा है। अब मियानी काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके फिर इसको और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये इसको बिना नाप के ही काटिए आप लोग, ये मियानी काटने के लिए कोई नाप की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारे लिए इसको 7 इंच 8 इंच 9 इंच जो भी मिलता है इसका अंदाज़ा रखिए। अगर नहीं अंदाज़ा रख सकते तो फिर ऐसा कीजिए कि ये 8 इंच समझ लीजिए कि हमको ये 8 इंच लेना है। देखिए 8 इंच है ना, ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये शलवार है, ये इसकी मियानी है, और ये बेल्ट का हिस्सा है। और उसके बाद भी हमको आस्तीन में फ्रिल के लिए हर चीज़ के लिए हमने कपड़ा बचा लिए। अब ये मैं आप लोगों को एक बात और बताती चलूं कि शलवार बहुत आसान है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार मेरी एक स्टूडेंट आई, उसने बोली मिस 1 साल की बच्ची की शलवार के लिए हम ये बेल्ट कितना निकालें। 1 साल की बच्ची का नाप कितना होगा, 18 इंच, तो 18 इंच के लिए कितना निकालेंगे हम, ये बेल्ट 3 इंच निकालेंगे। और ये मियानी कितनी लेंगे, ये मियानी का हिस्सा 6 लेंगे, बस हो गया। मैं आपको इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर, डायग्राम बनाकर, कि आप 18 इंच से लेकर 43 इंच तक के शलवार में कैसे करेंगे ये मैं आपको एक वीडियो पूरी बताऊँगी। यानी इससे फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि चाहे कितना कपड़ा मिले या कम या ज़्यादा या जो भी नाप आ जाए, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर शलवार कटिंग करेंगे इंशाल्लाह।